नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और बुलेटिन में सबसे पहले देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। झारखंड के देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प रैली में हेमंत सोरेन सरकार पर किया बड़ा हमला। कहा, भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं है तो झारखंड के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी और इससे पहले वैद्यनाथ मंदिर में पूजा भी की। 6 फरवरी को पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन, तुमकुर में एचएएल के हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण। आज से देश भर में बजट की बारीकियों को समझाने के लिए बीजेपी ने उतारी मंत्रियों की टीम। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट की बारीकियां बताई तो जम्मू में अनुराग ठाकुर ने भी बजट के फायदे गिनाए। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट की बारीकियों को बताया, बोले कांग्रेस के झूठे बहकावों में नहीं आएंगे कर्नाटक के लोग, कांग्रेस के शासन में गरीबी कम होने की बजाय बढ़ी है। एशिया के सबसे अमीर मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पेश किया बजट, पिछले साल के मुकाबले 14.52% बढ़ा बजट, 2023-24 के लिए 52,619 करोड़ का बजट हुआ पेश। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। लखनऊ में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चलाया डोर टू डोर कैंपेन, चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान लोगों से घर घर जाकर मुलाकात। त्रिपुरा के मजलिसपुरा में एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने किया रोड शो, कहा पहले के त्रिपुरा और आज के त्रिपुरा में जमीन आसमान का फर्क, अगर बीजेपी को फिर मौका मिला तो देश के बेहतरीन राज्यों में से एक होगा। असम में बाल विवाह के खिलाफ जोरदार एक्शन, पुलिस ने अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने दी जानकारी। भोपाल में सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम सम्मेलन में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा युवाओं के साथ मिलकर मध्य प्रदेश को बनाएंगे आत्मनिर्भर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में मिली जमानत, भोपाल के एक कोर्ट में पेश हुए थे दिग्विजय सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दर्ज कराया था केस। कोच्चि में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का विरोध, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, राज्य के बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष के दफ्तर पर हमला, बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, खुलेआम पिस्टल लहराते नजर आए दबंग, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल, 4 लड़के बड़ी बेरहमी से लड़के को पीटते हुए दिखे, 27 जनवरी का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के कासगंज में महिला थाना प्रभारी का महिला सिपाहियों से मसाज कराता वीडियो वायरल, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने महिला थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर। यूपी के बरेली में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस और बीडीए की टीम ने अलायंस बिल्डर्स की इमारत सील की, सरकारी जमीन कब्जा करने के आरोप में दोनों चल रहे हैं फरार। गुजरात के नडियाद में लोन लेने आए आदमी पर बैंक कर्मचारी की पिटाई का आरोप, घटना बैंक में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के गोरखपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर दिव्यांग परिजन के साथ मारपीट का आरोप, वायरल वीडियो में पुलिस के सामने जूनियर डॉक्टर पिटाई करता नजर आ रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एक संदिग्ध गाड़ियों का शीशा तोड़ता सीसीटीवी में रिकॉर्ड, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में बदमाशों ने एक फाइनेंसर के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, गैंगस्टर के नाम पर फाइनेंसर से मांगी गई 50 लाख की रंगदारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त बवाल हुआ, गुस्साए गांव वालों ने पुलिस पर पथराव किया, पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी और बुलडोजर चालक समेत 9 लोग घायल हुए। यूपी के आगरा में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया, सड़क पर कई गाड़ियों में सवार लड़के रेस लगाते दिखे, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के मेरठ में शराब के लिए रुपये न मिलने पर एक लड़के ने अपने ही घर में आग लगाई और आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा, पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस और बम डिस्पोजल टीम ने 10 किलो आईडी और बम बरामद किया, विस्फोटक को किया गया डिफ्यूज।
पंजाब पुलिस की आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ पर नकेल कसने की तैयारी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गैंग से जुड़े करीब 1500 संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी। नवी मुंबई में कोयता गैंग की तरह सलिया गैंग का आतंक। खोपोली इलाके में कई घरों में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से पुलिस ने शुरू की तलाश। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी, उनके भाई और मां के खिलाफ केस दर्ज। पलवल में डांसर की भाभी ने परिवार पर मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराया। पुलिस कर रही है जांच। हरियाणा के करनाल में खनन के खिलाफ छापेमारी करने आए डीएसपी को डंपर से कुचलने की कोशिश। बुलडोजर और मोटरसाइकिल को किया गया जब्त। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के बुराड़ी में एटीएम मशीन को तोड़ रहे बदमाश को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। एटीएम मशीन से छेड़छाड़ किए जाने के बाद मुंबई में बजा था अलार्म। सूचना मिलने पर बुराड़ी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। राजस्थान के धौलपुर में चंबल का एक और कुख्यात डकैत पुलिस ने दबोचा। चंबल में पुलिस का आखिरी ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात। 21 मकानों में दरार के बाद पूरा इलाका रेड जोन घोषित। 15 मकान कराए गए खाली। जम्मू के डोडा पहुंची जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। दरारों वाली जगहों पर किया गया सर्वे। सैंपल लेकर कारणों का पता लगाने में जुटी थी। यूपी के शाहजहांपुर में बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। बस में सवार 25 यात्री घायल। 7 यात्रियों की हालत गंभीर। सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने के बाद लगी आग। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेलंगाना के वारंगल में एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक गैराज में आग लगने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। केरल के कोशिकोड में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुई पीटी उषा। एथलीटों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात। राजस्थान के जैसलमेर में 7 फेरे लेंगे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। शादी के लिए जैसलमेर पहुंची कियारा। कल से शुरू होगी शादी की रस्में। लेटिन अमेरिका में भी एक और गुब्बारा दिखाई दिया। चीन का जासूसी गुब्बारा होने का दावा किया जा रहा है। पेंटागन ने बयान जारी कर कहा कि अफसर मामले की जांच कर रहे हैं। चीनी बलून देखने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिलहाल चीन दौरा टाला। अमेरिका ने चीन पर लगाया जासूसी का आरोप। अमेरिका में मिले गुब्बारे पर चीन का जासूसी इनकार। कहा उसने किसी भी देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया। दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। पाकिस्तान में बिजली पानी और खाने के बाद अब तेल का संकट मंडराने लगा है। रुपयों में गिरावट की वजह से तेल कंपनियों को नहीं मिल रहा है रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हुआ बंद। तहरीक लबेक पाकिस्तान के नेता साद रिजवी का हास्यास्पद बयान सामने आया। परमाणु बम से पैसे मांगने की सलाह दी। साद रिजवी का बयान वायरल हुआ। ईरान की कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ हिजाब विरोधी आंदोलन आज भी है जारी। हजारों की संख्या बलूच लोगों ने किया प्रदर्शन। खूनी शुक्रवार मनाते हैं बलूच के लोग। अमेरिका के न्यू हेमिस्फेयर से बर्फीले तूफान से तबाही मची। इस बार तापमान -77 डिग्री दर्ज किया गया। बताया गया कि ठंड ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेबनान में शहर और गांव पूरी तरह बर्फीली तूफान की चपेट में आ गए हैं। पेड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आए। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। चिली में भीषण आग से हाहाकार मची है, जिसमें झुलसने की वजह से 13 लोगों की मौत। 100 से ज्यादा घर आग में जलकर राख हुए। यहां नुबल और बायोबियो में अलर्ट घोषित किया गया। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।